और 45 अगला सूत्र है, पांच छठा है ईश्वर प्रणिधान, शौच संतोष तप स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। भगवान ईश्वर के प्रति शरणागत होने से ईश्वर कम समाधि, सब कुछ भगवान को शरणागत, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ तो क्या होगा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। श्रेष्ठ दृष्टांत हमारा तो गिरीश चंद्र घोष ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद में क्या क्या पता नहीं, याद नहीं, लेकिन उन्हें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त हुआ गा। ईश्वर प्रणिधान जो है वो पहले है, पहले चैप्टर में ये तो है, दूसरे चैप्टर में ईश्वर प्रणिधान की बात है, लेकिन पहले चैप्टर में दूसरे पहले दूसरे चैप्टर का पहला ही श्लोक था तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग, और उसमें भी वहाँ पे तप की स्वाध्याय की बात कही, ईश्वर प्रणिधान की बात कही। और प्रथम अध्याय में भी अगर हम देखें, एक मिनट, वहां पे तो जप के बारे में अधिक कहा गया है। वहाँ पे तक वही है, दूसरे अध्याय के पहला श्लोक सूत्र भी है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग है, और उसको कहा है समाधि भावना तर्थ, उससे समाधि होती है यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रणिधान का क्या अर्थ है, पूर्ण रूप से आप शरणागत हो जाओ, सब कुछ भगवान को समर्पित करो, बिना निरंतर भगवत चिंतन के समाधि शरणागति नहीं होती, याद रखिए। हमने समर शरणागत कर दिया सब कुछ और दिन रात संसार का चिंतन कर रहे हैं, असंभव। शरणागति इसलिए इतनी कठिन है, सबसे ऊंची बात है। ठाकुर के वचनामृत में भी आप उड़ गए, कोई बोलता था शरणागत, अरे वो तो शेष कथा, जब तक तुम कर सकते हो साधना करो, जब हार गए कुछ नहीं कर सके, संघर्ष करते 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 अब कुछ नहीं कर सकते, तैर भी नहीं सकते, जब अचानक आखिरी में तब शरणागति होती। तो अगर शरणागति हुआ तो आदमी अर्थ भगवान में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाएगा, याद रखिए। तो ईश्वर सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ पर ये हो गया पंच नियमों की सिद्धि के प्रभाव।